जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चालाम का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको रेलवे के ग्रुप डी के पोस्ट पर 20% का कोटा मिल जाता है। साथ ही साथ रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को पीटी भी नहीं देना होता है। उसी तरह से एमडीएल ने भी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जो भी एमडीएल के एक्स अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं उन्हें दो बेनिफिट अब से दिया जाने वाला है दोस्तों, जिसके ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको देखने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एमडीएल से अप्रेंटिसशिप करना, या आप एमडीएल से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, या एमडीएल में अप्रेंटिसशिप करने का आपको मौका मिल रहा है, तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो अगर आप आईटीआई पास आउट है तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। कई सारी वैकेंसीज आई हुई है, अभी इसरो की नई वैकेंसीज आई हुई है और एमडीएल की भी नॉन एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। और इसी बीच एमडीएल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, इसी भर्ती के लिए आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। देखिए, और भी कई सारी वैकेंसीज की जानकारी अपडेट्स हमने दिया हुआ है, चैनल पर विजिट करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर सभी वैकेंसीज के लिंक मिल जाते हैं। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन बिहार बिजली विभाग या अन्य किसी भी एग्जाम का, तो आप अनिल सर आईटी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बेहतरीन कंटेंट के साथ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस ईयर पेपर, क्वेश्चन में सभी मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं एमडीएल, जो कि प्रशिक्षण शाला है, ट्रेनिंग स्कूल है, वहीं से नोटिस निकाला गया है सभी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए। 4 सितंबर का यह नोटिस है, मेरे पास कैंडिडेट्स के द्वारा भेजा गया है। जो नोटिस सभी कैंडिडेट को भेजा गया है, जो भी अप्रेंटिसशिप किए हैं उन कैंडिडेट को बताया गया कि आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। अगर आप एमडीएल से मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के प्रबंधन है कंपनी में होने वाली आगामी कर्मचारी भर्ती, जो अब नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होने वाले, जैसे कि अभी नॉन एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट आई हुई है ना, इसी की भर्ती मान लीजिए, इस सब की वैकेंसी के लिए अनुबंध हो या अस्थायी दोनों में एमडीएल के जो अप्रेंटिसशिप है उनको निम्नलिखित प्रावधान अनुमोदित किए जा रहे हैं। तो जो इन दो तरह की इन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो क्या क्या है देख लीजिए। तो 10% आपको वैकेंसी रिजर्व की गई है एमडीएल के अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए, वो भी हॉरिजॉन्टल। जैसे कि और 100 सीटों पर वैकेंसी है तो उसमें 10 सीट जो है एमडीएल के अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगे। कौन से वैकेंसी में, तो नॉन एग्जीक्यूटिव के रिक्रूटमेंट में। देखिएगा, तो यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव की जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें आपको 10% का अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिला है। वो और भी दूसरा क्या है, तो 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीटेड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन केस ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर्स। जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, अगर उन्होंने किसी भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उन्हें सबमरीन एक्सपीरियंस या शिप बिल्डिंग भी एक्सपीरियंस माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे हम कि उसके एक नोटिस भी हम प्रोवाइड किए हैं अप्रेंटिसशिप न्यूज पर, जब क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ एमएसडीई में जैसे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को ऐसे वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर अब कंसिडर किया जाएगा। अगर आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, वो भी सबमरीन एक्सपीरियंस, शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। ये बड़ा एक्सपीरियंस होता है, जल्दी मिलता नहीं है। इस रिक्रूटमेंट में सबमरीन एक्सपीरियंस मांगा गया है, शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, जल्दी किसी के पास होता नहीं, इस तरह की सीटें खाली चली जाती हैं। तो देखिए, तो इसमें एक्सपीरियंस है, अब जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये तो एबव पोस्ट के लिए है, आईटीआई से अलग है, ये ग्रेजुएट कैंडिडेट की पोस्ट के लिए है, लेकिन यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अगर आप ट्रेड से मिनिमम क्वालिफाई करते हैं, जैसे आईटीआई किए हुए हैं और 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपको अप्रेंटिसशिप की डिग्री तो मिलेगी ही, साथ में आपको रिलेवेंट जो है शिप बिल्डिंग या सबमरीन एक्सपीरियंस ही माना जाएगा। जैसे कि आप अभी जो एमडीएल की रिक्रूटमेंट आई हुई है इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से मांग रहा है और 1 साल का सबमरीन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप उस सबमरीन एक्सपीरियंस को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी एमडीएल से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनके लिए बेनिफिट है। हम पहले भी एमडीएल की जो भर्ती निकलती थी, अप्रेंटिसशिप निकलती थी, उसमें हम आपको बताते थे कि एमडीएल से अप्रेंटिसशिप करेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा आगे परमानेंट नौकरी में। देखिए, ये अप्रेंटिसशिप के बाद नौकरी में आपको मौका मिलता है। और उसी तरह से स्टील प्लांट का भी है, लेकिन स्टील प्लांट जैसे सेल ओल से भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं
तो मांग कर रहे हैं कि सर हमें भी ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन चाहिए, नहीं मिल रहा। और अगर आपको नोटिस चाहिए तो आप नोटिस हमसे ले लीजिएगा, और सेल में या जहां पर भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करिए कि देखिए एमडीएल दे रहा है, रेलवे दे रहा है, और भी कई सारे देने लगेंगे, तो थोड़ा सा कैंडिडेट्स को ये रहेगा कि चलो वहां से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और वहां पर वैकेंसी में भी हमें कुछ बेनिफिट्स जरूर मिलेगा। एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन सभी जगहों पर भी इस तरह के रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए। 10% शुरुआत है, शायद आगे किसी में 50% हो या 30% हो जाए, 20% हो जाए, लेकिन रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट 1 साल रह करके बहुत कुछ सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन्हें रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए। बाकी अपनी राय नीचे कमेंट करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर कई सारे एग्जाम से रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल्स दिया हुआ है। तो देखिए लास्ट फिर से एक बार आपको बता दें, अगर आप एमडीएल से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो 2 बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। एक तो जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट होगी जिसमें आईटीआई होगा उसमें 10% का रिजर्वेशन आपके लिए रहेगा, और दूसरा आपको सबमरीन एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जहाँ पे आप किसी भी सबमरीन इंडस्ट्री में जाइएगा, आप इस एक्सपीरियंस को दिखाइएगा तो आपको दूसरों से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, जो फ्रेशर होंगे उनसे। मिलते अगली वीडियो आपसे, का बहुत बहुत धन्यवाद।